उन पंक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो फिर जाके कोई कवि बचेगा ही नहीं। पहले भी अखिलेश जी ये बात कहे थे, महत्वपूर्ण बात है, समझने योग्य बात है, पर इससे भी ज्यादा समझने की बात क्या है? एक ग्रंथ जिसके संदर्भ में मान्यता है कि वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा गया, वो ग्रंथ जिसमें 9388 चौपाई हैं, वो ग्रंथ जिसमें 1172 दोहे हैं, वो ग्रंथ जिसमें 87 सोरठे हैं, वो ग्रंथ जिसमें 47 श्लोक हैं, इतने बड़े ग्रंथ से 5, 8, 10 चौपाइयां या दोहे निकालकर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अरे देखो देखो क्या किया इस व्यक्ति ने, कैसा ग्रंथ लिख दिया, समाज में कितना बड़ा विभेद पैदा कर दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि इस देश में ना जाने कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने उपन्यास रोज लिखे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया के इस दौर में तो भी वो लोगों पर असर नहीं कर रहे। और गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे मीडिया के गैर मौजूदगी के बीच में 400 साल पहले एक ग्रंथ लिखा और लोगों के मन को वो इतना भा गया कि उसके लिखने की जरूरत महसूस नहीं की, लोगों ने उसे कंठस्थ करके अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का काम कर दिया। हमारे देश में आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी की पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है या इस ग्रंथ के संदर्भ में इसकी श्रेष्ठता को बताने वाली है। पर फिर भी मेरे पास आखिरी में 2 वक्ताओं की संक्षिप्त टिप्पणी के लिए जाने की जरूरत है। लव कुमार जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं। जी लव कुमार जी, आपका हस्तक्षेप। जी हिमांशु जी, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे इतने विद्वान लोगों के साथ बैठाया गया। और मैंने पहले ही कहा था गौतम जी, मैं बड़ा अकिंचल व्यक्ति हूँ, मैं तो एक छोटे से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन मैंने कभी अम्बेडकर जी के विराटता पे सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा राम दरबार का चित्र, वो भी अगर उस कमिटी के अध्यक्ष हो, तो मेरे जैसे विद्यार्थी के मन में सवाल उठता है। और रही बात अभी के सोच में, जैसे 600 साल पहले जो रामचरितमानस लिखी गई और आज के सोच में बहुत अंतर है। मैंने कहा हरिजन शब्द आजादी के पहले एक पत्रिका के रूप में निकलती थी, आजादी के बाद एक कानून बनता है जिसको बोलने में लोगों को जेल हो जाती है। तो ये इस संदर्भ को समझना होगा। अंबेडकर जी के संविधान में भी जरूरत के अनुसार से बहुत सारा संशोधन हुआ। कितना संशोधन हुआ शायद आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा। मैं अपने पूरे अधूरे ज्ञान को आपके पास रख के मैं पूरा करना चाहता हूँ गौतम जी, मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कुछ धृष्टता हुई होगी। नहीं नहीं लोकमान्य जी, आपने एक लोक मानस की बात को यहाँ पर रखा और आपने बहुत तर्क संगत तरीके से इस बात को रखा, पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूँ। कई लोगों की शादी फट गई इस बात को लेकर रामचरितमानस पर टिप्पणी कैसे कर दी, इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे डॉक्टर राकेश पाठक। क्या नई पीढ़ी के लिए एक अवसर उपलब्ध नहीं कराया प्रोफेसर चंद्रशेखर ने या स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जो बात कही गई थी कि एक आले में रख दो और केवल अगरबत्ती दिखाते रहो, नई पीढ़ी के साथ रामचरितमानस कमोबेश वैसी ही होती जा रही थी, क्या आपको नहीं लगता है कि हमें आभारी होना चाहिए प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि उनके बयानों ने नई पीढ़ी में एक उत्सुकता पैदा की है कि आखिर ऐसा इस ग्रंथ में है क्या जो 400-500 साल बाद भी इस कदर सुर्खियों में, इस कदर विमर्श का हिस्सा है और इतने मनीषी जो है इसके संदर्भ में आज भी मीमांसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक, धन्यवाद ज्ञापित करें हम। बिल्कुल हिमांशु जी, इसके दो पक्ष हैं जी। पहला पक्ष है राजनीतिक जी। कुछ सालों से हमारे देश की जो राजनीति है, खास तौर से सत्ता में बैठे लोग, एक खास विचारधारा का समूह हर मुद्दे को आहत भावना की ओर ले जाता है जी। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ, आपका सीधा उत्तर आपको मिल जाएगा जी। आज से 30 साल पहले हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास, ये किताब अनेक विद्वानों के आलेख के साथ प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशक था सरिता मुक्ता को छापने वाला दिल्ली प्रेस जी। सरिता मुक्ता उस वक्त हिंदू समाज और भारत के घर घर में आने वाली पत्रिकाएं थी जी। वो प्रकाशन समूह 30-40